क्वेश्चन नंबर 238 में क्या दिया है, 9 years अगो एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज 33 years. नाउ देयर थ्री न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुज एज आर इन द असेंडिंग ऑर्डर विद द कॉन्सिक्यूटिव गैप्स ऑफ 8 years. ये भी सही है. इफ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम एज इट वॉज 9 years अगो, वट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट न्यू मेंबर. देख लीजिए क्या करेंगे. तो यहां पे हम नंबर्स लिखते हैं, फैमिली मेंबर्स का नंबर क्या है, और इधर लिख लेते एवरेज एज. तो एवरेज एज अगर 9 years पहले सा 33, तो करेंट एवरेज क्या हो जाएगा, 33 plus 9, क्योंकि हर एक मेंबर का एज 1 साल बढ़ा है, तो एवरेज भी 1 साल बढ़ जाएगा और एवरेज हो जाएगा 42. तो अगर हम 9 years पहले को टी इक्वल टू -9 लिखे, मीन्स 9 साल पहले एवरेज कितना था, 33. तो टी इक्वल टू 0, इसका मतलब अभी की बात कीजिए, कितना मेंबर था, वैसे 5 members. 5 members का टी इक्वल टू -9 में एवरेज था 33. टी इक्वल टू 0 मतलब कि अभी अभी का सीन क्या हो गया, 33 plus 9 42 हो गया. क्वेश्चन में बोलता है कि इसमें ने 3 members ज्वाइन किया है, +3 ज्वाइन किया है, तो उसका एज क्या है जो 3 ज्वाइन किया है. एक का एज एक्स हो गया, दूसरे का x प्लस 8 मान लेते हैं, तीसरे का x प्लस 16 मान लेते हैं. अगर इन लोगों ने ज्वाइन किया तो अभी 5 plus 3 टोटल 8 मेंबर हो गए, लेकिन एवरेज एज जो है वो 9 years पहले जितना हो गया, मतलब कि एवरेज एज कितना हो गया, 33. ये भी t इक्वल टू 0 की बात हो रही है. अभी सोचिए ये जो 3 member के आने से टोटल कितना का डेविएशन हुआ है. तो आप बोलोगे देखिए पर मेंबर पे जो डेविएशन है वो कितना का है, 9 का. टोटल डेविएशन कितना होगा, टोटल डेविएशन ये हो गया है आपका 9 into टोटल मेंबर्स कितना हो गया, 8, तो -72 का डेविएशन हो गया है. अगर हम पूछे कि x plus 8 plus x plus 16 का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, अगर ये लोग एवरेज एज के इक्वल लेके आता तब तो इन लोगों का टोटल होता 42 into 3, इतना होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग -72 का डेविएशन क्रिएट किया है, तो -72 कर दिया हमने. इधर से आ गया 3x plus 24 equal to 42 into 3, कितना होता है, 126. 126 -72 कितना हो जाएगा, 54. तो 3x का वैल्यू कितना हो गया है आपका, 50 minus 54 minus 24 30, एक्स हो गया है 10. अगर एक्स 10 है, हमें क्या चाहिए, एल्डेस्ट मेंबर का, एल्डेस्ट मेंबर का एज हो जाएगा 10 plus 16, तो 26. इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ.